क्यों भाई, पूरी का दाम तो कुछ ज्यादा लगता है। ये मामूली पूरी नहीं है, वायाग्रा पूरी है। वायाग्रा पूरी? हाँ, एक बार खा लोगे तो सुबह तक भूख ही नहीं लगेगी। अरे सुनो, क्या है? म्यूनिसिपैलिटी में काम करती हो? नहीं तो? दुपट्टा को झाड़ू बनाया? ए, जा रहे। अरे साथ आ रही। ए, इतनी देर कहाँ था? बैंक में पैसे जमा करने गया था। बैंक इसलिए पास में गया था? हाँ भैया। अरे बैंक वगैरह जाना हो तो टिप टाप होकर जाना चाहिए ना। भैया तुम मालिक हो, तुम्हें टिप टाप रहना चाहिए। मैं तो नौकर हूँ, तुम्हारा वफादार कुत्ता। तुम मेरे भगवान हो। भगवान। अरे क्या कर रहे हो? हमारे देश की सभ्यता का क्या कहना? क्यों भैया, दुनिया 21वीं सदी में पहुँच गई लेकिन हमारे देश में पाँव पकड़ने की आदत नहीं गई। अरे भाई ये तो बहुत महंगा है। एक्सक्यूज मी, ये मटुंगा का पड़ता है? मुझे नहीं मालूम, जल्दी दो ना, मैं कब से खड़ी हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैन यू टेल मी हाउ टू गो टू माटुंगा? अरे भैया साहब कुछ अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, जवाब दो। आप हिंदी बोलते हैं? क्यों, शक्ल से हिंदी वाला नहीं लगता? नहीं, आपकी टोपी देख के लगा कि आप महाराष्ट्रीय ना, सिर्फ मराठी बोलेंगे। सुनो भैया, ये गांधी टोपी है, आजादी की लड़ाई में सब लोग पहने थे इसे, लेकिन इसका कोई कदर नहीं है। आज मुझे सिर्फ गिने चुने लोग ही पहनते हैं, वो भी दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल सही। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? जिला वाराणसी। तुम तो हमारी पड़ोसी निकले, मैं मुगल सराय का हूँ और तुम बनारस के। अच्छा। अरे सुनो, ये हमारा गांव वाला है, पाव भाजी बेल। नहीं नहीं, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। माटुंगा कैसे जाते हैं इतना बता दिया तो बस। माटुंगा तुम पैदल या टैक्सी में भी जा सकते हो। वहाँ कौन है तुम्हारा? वहाँ मेरी दीदी का घर है। अच्छा, दीदी का घर है, तुम्हें ढूंढने में तकलीफ होगी। अबे सुन, ये मेरे गाँव वाला है, ठीक है, साथ जाके दीदी के घर पहुँचा के वापस जल्दी आना। अरे जल्दी आना यार। अरे आ रहा हूँ ना। तुम्हारे को चाहे किसी को भी ढूंढना पड़े, सीधे मेरे पास आ जाओ। मुंबई की हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर नुक्कड़ को मैं पहचानता हूँ। यहाँ का सुपरस्टार हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं हूँ मैं। जी मेरे जीजा जी। साले साहब। जीजा जी। साले साहब। जीजा जी। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। अचानक कैसे आ गए? घर में सब ठीक है ना? सभी अच्छे हैं। ये कौन है? मैं मुंबई का भेलपुरी की दुकान में काम करने वाला लड़का। अच्छा, दुकानदार ने पता ढूंढने के लिए मेरे साथ भेजा है। पकड़िए, तारुफ का शुक्रिया, चलता हूँ। चलो घर चलते हैं। तुम्हारी दीदी और मैं प्यार करके घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करके यहाँ मुंबई आकर सेटल हो गए। कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आ रहे थे, इस बात का दुख था। गनीमत है तुम आ गए। ये कौन? मेरा साला गांव से आया है। अमृता, अमृता देखो तो कौन आया है। धर्मा। दीदी। धर्मा अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ दीदी। घर में बाबूजी, माँ, छोटी सब अच्छे है ना? हाँ अच्छे है। छोटी की शादी टलती जा रही है दीदी, इसलिए अरबिस्तान जाके नौकरी करूंगा, थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा, किसी ना किसी तरह उसकी शादी करा दूं, यही सोच के मैं यहाँ आया हूँ। क्या बाबूजी अभी तक मुझसे नाराज हैं भैया? छी छी, बाबूजी तो कब के भूल चुके हैं। माँ है जो हमेशा तुम्हारी याद में रोती रहती है। भाई सारी बातें यही खड़े खड़े कर लोगे? चलो अंदर बैठे बात करते हैं, दो कप चाय लाना। दीदी सो रही है? सुबह सुबह घर के लिए नौकरानी, दिन भर अपनी बेटी के लिए माँ, फिर रात को पति के लिए पत्नी। इतने सब किरदार निभाएंगी तो थकेंगी ही ना दीदी। यू आर ग्रेट। ए निशा, बुत क्यों बन गई? यही मेरा भाई धर्मा, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ। आज ही गांव से आया है। वैसे तुम्हारा कैसे आना हुआ? नहीं बात यह दीदी,
के मेरे पापा ने मेरे लिए एक नेकलेस खरीद के दिए है, उसे मैं आपको दिखाने आई थी। और यहाँ पे आप हैं सोच के मैंने उसका नाम है निशा, बाजू में ही उसका बंगला है, करोड़पति लोग हैं, माँ बाप को काम से फुर्सत ही नहीं, बेचारी हमेशा यही रहती है। मुझे बहुत चाहती है, बहुत अच्छी लड़की है निशा। आप हैं? गिफ्ट खाएंगी? नो थैंक्स, मैं कंप्यूटर क्लास से आ रही हूँ। और आप? दुबई जाने के लिए किसी से मिलने आया हूँ। आपकी दीदी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, अगर आप यहाँ नहीं मिलते तो मैं खुद आपके पास आने वाली थी। यूपी में मुझे बहुत सी जगह पसंद है, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, वाराणसी, और जाकिर हुसैन का तबला, बिस्मिल्ला खान की शहनाई, और फिर आपका छोटा सा गांव, आपकी फैमिली, आपकी छोटी बहन, सभी मुझे बहुत पसंद है, और आप भी मुझे बहुत पसंद है। आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, मुझे उसकी तलाश है। आंखों में ख्वाब, दिल में अरमान, ये सब आप नहीं समझेंगी। मेरी आंखों में भी ख्वाब है, दिल में अरमान है। अच्छा, यही गेटवे ऑफ इंडिया है क्या? वेरी नाइस। क्या कह रही हैं आप? टॉपिक बदलना, कोई आपसे सीखे। वेरी क्लेवर। हाँ, नमस्ते साहब। इस ट्रिप में 40 लोगों को भेज दूंगा। हाँ भाई साहब, वो सब मैं संभाल लूंगा। नमस्ते। तुम धर्मा हो ना? जी। तुम तो हमारे ही गांव के हो, अच्छे हो ना? अच्छा हूँ। घर में सब अच्छे हैं ना? सभी अच्छे हैं। यहाँ कब आए? मुझे दो दिन हो गए। अच्छा, दरअसल मैं आप ही से मिलने आया हूँ। क्यों, क्या बात है? बात यह है, पॉलिटेक्निक से मैंने डिप्लोमा किया है, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, घर में बहुत तकलीफ चल रही है, दुबई जाके कोई काम करूंगा यही उम्मीद लेकर आया। तुम तो मेरे ही गाँव के हो, तुम्हें नहीं भेजूंगा तो किसको भेजूंगा? ठीक है, अपना पासपोर्ट दो। वो सब तो अब तैयार करना होगा। ये क्या धर्मा, पढ़े लिखे हो, फॉरेन जाके नौकरी करना चाहते हो, पासपोर्ट लेके रखना चाहिए ना? ठीक है, सुनो, मुझे तुमसे एक नया पैसा नहीं चाहिए, मगर पासपोर्ट वीजा वगैरह के लिए यही कोई 40,000 का खर्चा आएगा। अगर वो इतने तो मेरे पास नहीं होंगे, माँ ने जो पैसे जमा किए थे वो 20,000 है मेरे पास, छोटी बहन के कंगन भी अपने साथ लाया हूँ, ये सब रख के आप किसी भी तरह मेरे जाने का इंतजाम कीजिए। ये क्या धर्मा, परिवार की तकलीफें सुनाकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया, तुम्हारे पिताजी के कई एहसान है मुझ पर, तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। मेहता, ये रख लो। अच्छा, ये लड़का मेरे गांव का है, सबसे पहले इसका वीजा तैयार करना। ठीक है? ठीक है सर। सुनो धर्मा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलाकर जल्द से जल्द दुबई भेजने का जिम्मा मेरा है, मुझे एक हफ्ते बाद आकर मिलना। ठीक है जी? अच्छा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में दूसरों के जरिए हम बहुत कुछ सुनते हैं, उन सभी बातों को हम हमेशा याद नहीं रखते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्थर की लकीर की तरह हमारे मन में छप जाती हैं। आपके बारे में दीदी की जुबान से निकली हर बात मेरे दिल में हमेशा के लिए छप गई है। यू नो समथिंग धर्मा, आपसे मिलने से पहले आपके रूप की मैं कल्पना करके मैंने आपकी एक तस्वीर बनाई है, ये देखिए। आपके बारे में सोचूं तो खुशी होती है, लेकिन अपने बारे में सोचूं ठीक घबराता है। आप जब गांव में थे तब मैंने आपके नाम काफी सारे लेटर लिखे थे, लेकिन एक को भी पोस्ट नहीं किया, सभी लेटरों को मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। देखिए, मेरी माँ, बाबूजी, छोटी बहन, सभी मुझ पर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, मेरे मन में और किसी चीज की जगह नहीं है। मेरी खुशी से बढ़कर मेरे घर वालों की खुशी ही मेरे लिए कीमती है।
ए भाई। हाँ भैया। मुझे पहचाना? हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ आने वालों को दो चार दिनों में बम्बई की हवा लग जाती है और दूसरों को भूल जाते हैं। अच्छा तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, एक हफ्ते के अंदर दुबई चला जाऊंगा। दुबई जाओगे? वहाँ बहुत गर्मी है सुना। भैया गर्मी ज्यादा है तो पगार भी तो ज्यादा है। ये तुमने सही कहा। नमस्ते, सुनिए, एक हफ्ते से मैं अपने गाँव वाले को ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तुम किस गाँव के हो? जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ मैं उसी के गाँव का हूँ। वो किस गाँव का है? वो तो मेरे ही गाँव का है। अरे तुम दोनों किस गाँव के हो? अरे ये कैसा सवाल है, हम दोनों तो एक ही गांव के हैं ना। अबे जा। अच्छा तुम्हारे वीजा वगैरह का इंतजाम हो गया? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे गांव वाले को आपने देखा है या नहीं? तेरे का बुद्धिमान, ये खुद भी पागल है दूसरों को भी पागल बना रहा है। ऐसे लोगों को अलग तरीके से समझाना पड़ता है। तुम्हारे गाँव वाले को मैंने देखा है। देखे हैं? क्या बोला वो? अपने गाँव जा रहे कह के चला गया। ओह ऐसा कहा? एक आप है जो इतनी अच्छी तरह से समझा के बोले, और एक ये है जो एकदम फालतू बेकार एक छोटा सा सवाल का जवाब भी नहीं देता। न जाने ऐसे लोग जिंदगी में आगे क्या करेंगे। भैया जब आप मेरे गांव आए तो मेरे घर जरूर आना, मेरा घर उसके घर के बाजू में है। आने से पहले चिट्ठी जरूर लिखना, तो फिर मैं चलूं। अच्छा जाओ। जय राम जी के। खत भेजो, तार भेजो, घर पे आओ। इस तरह न्योता तो बहुत दे दिया, लेकिन आखिरी तक उसने अपना गांव का नाम नहीं बताया। पता नहीं किस मालगाड़ी में ये मुंबई आ गया, इसीलिए रास्ता ढूंढ ढूंढ कर यही भटक रहा है। थैंक यू भैया। किस लिए? तुम ना होते तो यहाँ पर एक खून हो जाता। हेलो। हेलो, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। कल रात आप मेरे सपने में आए थे और कहा कि आई लव यू, लेकिन जब आंख खुली तो मेरे साथ सिर्फ चांदनी ही थी। अब मैं वही आपसे कहने आई हूँ, आई लव यू। क्यों 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 इस तरह मुझे परेशान कर रही हैं? कितनी बार आपसे कह चुका हूं, आपके पास सब कुछ है, आपसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए चली जाइए। मैं आपका इंतजार करूंगी मरते दम तक। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोली मुझसे प्यार नहीं करते, मैं चली जाऊंगी। बोलिए बोलिए ना। मैं आपसे अब शिट, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे लोगों के वजह से ना तो हमारे देश तरक्की कर सकता है ना हम कर सकते हैं। सुनिए उसे क्यों ले जा रहे हैं? फर्जी आदमी है, इसीलिए पुलिस इसे अरेस्ट करके ले जा रही है। कितने लोगों को दुबई में काम दिलाऊंगा, सिंगापुर में काम दिलाऊंगा, ऐसा बोल के लाखों रुपए ऐठ लिए हैं। जिनके पैसे गए उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा रही है। बेचारे जिनके पैसे गए वो तो बर्बाद हो गए, हम लोग यहाँ दो पैसा कमाने के लिए आए हैं, पर यहाँ तो अपने ही अपनों का गला काटता है। छोड़िए ना साहब ये सब। छोटी की शादी, मैं क्या करूं? छी, कितने जालिम हैं ये लोग। विदेश भेज के नौकरी दिलाने का लालच देकर गरीब की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। किस पर भरोसा करें किस पर नहीं कौन जानता है। मुसीबतों का सामना करके कामयाब होने में ही थ्रिल है। बहाव के खिलाफ तैरता जा रहा हूं मैं। जिंदगी के इस जंग में कब कामयाब होऊंगा क्या पता। तुम फिक्र मत करो धर्मा, इस जंग में तुम जरूर कामयाब होगे। जंग लड़ने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए ना? क्या हॉर्लिक्स देने वाली हो? उससे भी स्ट्रॉन्ग।
उससे भी यही अरे साम्राज्य साहब बाहर क्यों खड़े हैं अंदर आइए आइए पहले उस लड़के को यहां से बाहर भेजो ए बाहर निकल वो किस लिए क्या बात है साहब इसने क्या किया निकल बाहर मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हैं आज के बाद तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे उससे बात नहीं करोगे इस इलाके में नजर नहीं आओगे पहले आप अपनी बेटी को संभालिए मेरे भाई को धमकाने वाले आप कौन होते हैं तुम मेरे बारे में नहीं जानती मैं अच्छों के लिए अच्छा बुरों के लिए बुरा हूं आप क्या कर रहे हैं इन्हें कुछ मत कीजिए आप चाहते हैं मैं चला जाऊं ना चला जाऊं इसी वक्त निकल जाओ तुम मुंबई में ही नहीं रहेगा अगर कहीं नजर आया तो तेरी दीदी तेरा जीजा और बच्ची तीनों की लाश भी नहीं मिलेगी जा अपना सामान पैक कर धर्मा चंद्रू मुंबई कब आया तू अरे मुशा की क्यों नहीं मिला तेरे कमरे में क्या था तू नहीं मिला पड़ोसी से पूछा तू कब आएगा कहा कि पता नहीं तू माटुंगा में अपनी बहन के घर में ठहरा है ना नहीं क्या बात है तू इस तरह उदास क्यों है धर्मा तेरी आंखों में नमी चल खोली पे चल वही बात करेंगे मानता हूं अपनी बेटी से प्यार मत करो यह कहने का उसे पूरा हक है लेकिन तुझे मुंबई छोड़ के जाओ कहने वाला वो कौन होता ठीक है तू फिक्र मत कर ये वो बस्ती है जहां हम जैसे बहुत सारे गरीब रहते हैं भविष्य का सपना लेके मुंबई आने वाला हर नौजवानों का पहला आसरा है ये धारावी इन झोपड़ों को देखो दिखने में तो ये सब छोटे छोटे हैं लेकिन इनमें रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है यार अच्छा तू कहां काम करता है वो बोल ना कहां काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है बहुत अच्छा पगार भी है मालिक जो काम सौंपे वो अच्छी तरह करना चाहिए बस ऐसे ही 10,000-20,000 दे देते वो मौज कर रहा यार ए जहां तू नौकरी करता है वहां मेरी भी नौकरी लगा देना नहीं धर्मा जो मैं काम करता हूँ वो वाकई तकलीफों वाला काम है वो सब करना तुझे अच्छा नहीं लगेगा चाहे जितनी भी तकलीफ हो मैं करूंगा अपने घर वालों को खुश देखना है बस उसके लिए मैं दिन रात तकलीफ उठाने को तैयार हूं तुझे मेरी मदद करनी ही होगी ए मुझे नौकरी दिला देना यार ठीक है कल सुबह अपने बॉस से मिलके तेरे काम के लिए बात करूंगा सलाम भाई सलाम ये मेरे बचपन का दोस्त है कल ही मुंबई आया है जिन्होंने की पढ़ाई भी की है तो मैं क्या करूं अगर आप इसे कोई काम दे दे तो मेरी तरह ईमानदारी से काम करेगा ये अच्छा इसके तो अभी दूध का दांत भी नहीं टूटे हैं ऐसा आदमी अपन के काम नहीं आएगा ले जाओ इसे जा भाई 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 ये बहुत अच्छा लड़का भाई जाओ जाकर अपना काम करो जाओ चल यार Thank you.
धर्मा। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बेटो इधर आ। कौन है? ये मेरा दोस्त है। कौन है तू? क्या देख रहा है? सॉरी। अरे बेटो क्या देख रहा है? चल धर्मा। बहुत अच्छा, मेरा अंदाजा गलत निकला। हमारे काम का आदमी है ये, आज से यही काम करेगा। ये लो एडवांस रख लो, 10,000 है। शुक्रिया भाई जो आपने इसे काम पे रखे। हाँ, तेरे भरोसे इसे काम पे रख रहा हूं, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदार तू होगा। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। वो किस लिए? मुंबई में इतनी जल्दी मुझे नौकरी मिलेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, पहले दिन मुझे इतना सारा एडवांस दे दिया, आखिर मुझे करना क्या होगा? कल जब ऑफिस चलोगे तब पता चल जाएगा। ए, क्यों यार, ऑफिस जाने के बजाय हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहीं पे ऑफिस की गाड़ी आएगी। उसे मार डालेगा। तुम चुप कर, एकदम से अपना काम करने दे। ये सब क्या है चंद्रू? तूने मुझे किस काम पे लगा दिया? ए, पैसे कमाने के और कितने तरीके हैं? कुली का काम कर सकते हैं, हाथ लारी खींच सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। इस तरह आदमी आदमी को काटना, खून करना, ये भी कोई काम है? ए, गांव में कभी अगर मेरी बहन तितली को भी पकड़ती तो उस तितली का दर्द मुझे महसूस होता, और तुम मुझसे ऐसे काम करा रहे? अगर ये सब मुझे पहले मालूम होता तो ये काम मैं कभी नहीं करता। ए, तू क्यों परेशान हो रहा? हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू जानता है कॉन्स्टेबल से लेके कमिश्नर तक ही नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर भी करीम भाई की मुट्ठी में बंद है। हमें अगर कुछ हुआ तो वो देख लेंगे। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया और कितने सपने लेके हम इस शहर में आए थे, लेकिन हमारे नसीब में सिवा ठोकर के कुछ नहीं है। जहां भी देखो गरीबी और बेरोजगारी, ऐसा घिनौना काम इंजीनियर, वकील, MBA पढ़े हुए सब लोग कर रहे हैं। कोई भी ये लूटपाट का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, मजबूरी, अपने घर को जो बचाना है। और किसी भी काम में इतना पैसा नहीं मिलता, हमें बहुत पैसा मिल रहा है, वो हम घर भेज रहे हैं और घर वाले भी खुश हैं।
उससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? नहीं चंद्रू, तू चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं। मेरे घर वालों को जो भी तकलीफ उठानी पड़े, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। ठीक है जा। अगर तू चला गया, तुझे इस काम पे मैंने लगाया उसके लिए वो लोग मुझे मार देंगे। अब मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पिछले कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी, मेरी तकदीर सब कुछ बदल गए हैं। अपना पुराना धर्म नहीं रहा, मुझे भूल जाओ। तुमने कितनी आसानी से बोल दिया मुझे भूल जाओ। इतना आसान है किसी को भूलना? मेरी बात छोड़ो, क्या तुम मुझे भुला सकते हो? कभी उन लम्हों को भुला सकते हो जो हम दोनों एक साथ बिताया करते थे? अपने माँ बाप से बढ़कर तुम्हें चाहा, प्यार किया, लेकिन तुम काश तुम मुझसे मर जाओ कहते। तुम्हारे लिए मैं हजार मौत मरती। तुम्हारे बिना ये जिंदगी मेरे लिए मौत से भी बदतर है। ऐसी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। I can't live without you, धर्मा। I can't। निशा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नहीं जानता। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मेरे बिना तुम भी नहीं रह सकते, ये मैं जानती हूँ। कबूल कर लो, कबूल करो धर्मा। तुम कबूल क्यों नहीं करते? बोलो, मानते क्यों नहीं? आज तुझे ऐसा नाश्ता कराऊंगा कि तू याद करेगा। अरे जल्दी कर। नमस्ते जमनाल जी। हाँ चंद्रू, अरे ये हमारा धर्मा है, क्यों दोनों दोस्त हो? हाँ भैया। घर में दीदी सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं, लेकिन अब मैं दीदी के यहाँ नहीं रहता, चंद्रू के साथ उसी के कमरे में रहता हूँ। तब तो हमारे ही इलाके में हो। अच्छा, तो तुम लोग पहले से जानते हो? यहाँ कदम रखते ही सबसे पहले इन्हीं से तो आशीर्वाद दिया था। अबे जॉन, इन्हें पाव भाजी पूड़ी वगैरह जो भी चाहिए दे देना। ठीक है भैया। निकाल। निकाल।
बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था भाई। नहीं देगा। नहीं इस बार भाई। कोई बात नहीं, मुझे वसूल करना आता है। अगली बार मैं जरूर दूंगा भाई। बहन की शादी कराएगा। अब बोलो नाश्ता मजेदार है ना? हाँ बहुत मजेदार। हफ्ता निकाल। हम एक ही गांव से रोजी रोटी के लिए आए हैं, क्यों मेरे पेट पे लात मारते हो? पेट पे लात नहीं मारूं, ठीक है ये हम आता हूँ। निकाल। ये कौन है? ये लोकल गुंडा है, यहाँ के छोटे मोटे दुकानदारों से हफ्ता वसूल करता है। तू ध्यान मत दे, खा ले। क्यों बे साले, अब तक मुंबई छोड़कर नहीं गया? यहीं पर है। ये मुंबई छोड़कर क्यों जाएगा? क्या क्या बोला? मैंने पूछा ये मुंबई छोड़कर क्यों जा? तेरा दोस्त है, तेरे दोस्त को जो दिया वो तुझे भी देना पड़ेगा। धर्मा छोड़ दे, देख चलो चलते हैं, मेरी बात मानिए। फुटना। आप भी लीजिए भाई साहब। सॉरी मिस्टर करीम, वी आर फ्रॉम कस्टम्स। क्या चाहिए? हमारे पास सर्च वारंट है। हमें खबर मिली है कि आपके पास स्मगल गुड्स है, इसीलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ओके मिस्टर करीम, चलो सर्च करो। चलो जाओ, तुम इस तरफ और तुम उस तरफ चलो चलो। आज मेरी सालगिरह है और मेरे घर में कस्टम की रेड, जरूर इसके पीछे साले सेंट्रल मिनिस्टर वर्मा का हाथ होगा। जब तक वो कुर्सी पर है तब तक हम धंधा नहीं कर पाएंगे। अब वो कहाँ है? कोई खास मीटिंग के लिए अमेरिका गया है, जल्द ही वापस आने वाला है। वर्मा वापस आ रहा है इस खबर के बदले
वो मर गया ये खबर यहां पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी। हेलो। हाँ भाई बोली। हाँ सुन, सेंट्रल मिनिस्टर वर्मा आज अमेरिका से वापस आ रहा है, तुम सब फौरन एयरपोर्ट पहुंचो। हेलो कौन? अनिता डार्लिंग। हाँ अपन बात करे ला है, तू कैसी है? अपन बस का थे, इधर काम चल रहा है। मुझे सुनो, भाई के मायके गए हुए, मैंने तुम्हारे लिए सनम सैंड में स्पेशल सूट बुक कर लिया है। आज रात को अपन को तू 8 बजे मिल रही है, समझ गई? ओके। फिक्स कर दिया क्या? फिक्स किया हुआ बॉम्ब कोई ऑर्डिनरी बॉम्ब नहीं है, पावरफुल बॉम्ब। मिनिस्टर तो क्या पूरे एयरपोर्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सॉरी सर, गाड़ी में बम रखा है। हम एयरपोर्ट में बम रखने वाले हैं ये बार। पहले से ही किसी ने पुलिस को बता दी। कौन है वो? वो कौन है मुझे मालूम है अब्बाजान। दामराज भाई, आप कभी हमारे पार्टनर हुआ करते थे, अब आप अलग से धंधा करते हैं। अब भी हम आपको दोस्त ही समझते हैं, दुश्मन नहीं। और आप है कि हमारे बारे में पुलिस को इख्तला कर दिया। क्या बोलता है तू? ये सब बकवास है। ये साम्राज्य खून कर सकता है लेकिन दगा नहीं दे सकता। ए चुप चुप, मुंह बंद कर। अब कभी हमारे आड़े आए, तेरी एक जवान बेटी है, इतना याद रखना। चुपचाप चल। ये कहां का इंसाफ है यार? एक आदमी को मारने के लिए इतनी बेरहमी से सैकड़ों मासूमों की जान लेने वाले थे। वहां पे कितनी औरतें थी, छोटे छोटे कितने बच्चे वहां पे खेल रहे थे, उनकी जान से खेलने का इनको क्या हक है? अगर उस मंत्री से कोई दुश्मनी है तो उसके जाके घर पे बम लगाएं, किसने मना किया है? वहां पे अगर वो बम फटता तो पूरा एयरपोर्ट एक कब्रिस्तान बन जाता। उसके बारे में सोचता हूं तो अब भी मेरे हाथ पैर कांपते हैं, इसीलिए मैंने ही अपने मन को मार के पुलिस को खबर दी थी। क्या देख रहा है, अब से मैं यही करने वाला हूं। तूने पुलिस को खबर की ये बात अगर करीम भाई जान गए तो अंजाम क्या हो जानते हो? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, इतने सारे लोगों की जान बचाई यही मेरे लिए काफी है। ये लड़की की आवाज कैसी? पता नहीं किसी लड़के को पकड़ के लाया है। हा, हा, ए, ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूं, ये मेरी निशा है यार। इसे इन लोगों ने क्यों पकड़ रखा है? निशा, ए चंद्रू, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं सकूंगा यार। ए, अगर उसे पता चल गया कि मैं यहां काम करता हूं तो मुझे देखेगी भी नहीं। ए, प्लीज प्लीज चंद्रू, तुझे को उसे बचाना होगा, प्लीज यार। हेलो साम्राज भाई, यहाँ कैसे आना हुआ स्विम के लिए? hey, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा उसे? कोडियक मजेदार है, एक पैग लोगे?
बोल, कहाँ छुपा के रखा है? ए, वो किसी के साथ भाग गई होगी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हैं? आधे घंटे के अंदर मेरी बेटी मेरे घर पहुंचनी चाहिए। तुम में से किसी ने उसे देखा तो आंखें फोड़ दूंगा। कोई परेशानी नहीं, आज के बाद तुम खुश रहोगी। क्यों निशा, डैडी से नाराज हो? अब मेरी बात सुनो, जिस लड़के से तुमने प्यार किया उसी को ढूंढ निकालूंगा और उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगा, ठीक है? अब तो खुश हो ना? थैंक यू डैडी। माय चाइल्ड। ए, खोलो तुम लोग। ए चंद्रू, ये निशा का घर है यार। क्या कर रहा है? चल चल चल। ए साम्राज, तूने भाई के बेटे को मारा है ना, अब तुझे कौन बचाएगा ये मुझे बता। अबे लड़की किधर गई? वो उस तरफ गई है, पकड़ो उसे। निशा, निशा, निशा।
निशा, मेरी बात सुनो निशा, 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 प्लीज, निशा, निशा मेरी बात सुनो, निशा, निशा मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता था कि वो लोग तुम्हारे घर जा रहे हैं, निशा, निशा मेरी बात सुनो, निशा प्लीज, मेरा विश्वास करो निशा, निशा, निशा तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं मारा, मैं उन लोगों के साथ आया था बस, निशा, निशा मेरी बात सुनो प्लीज, निशा, रुक जा निशा, 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 निशा रुक जा निशा, फोटो में जो है साम्राज्य की एकलौती बेटी निशा है, सिर्फ ये बच गई। जाओ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह उसकी तलाश करो और मिलते ही उसे भी उसके माँ बाप के पास भेज दो। ठीक है भाई। गुड इवनिंग, नाउ स्पेशल बुलेटिन फ्रॉम द मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट अबाउट द मर्डर ऑफ मिस्टर साम्राज। In a statement issued to the media, the spokesperson of Mumbai Police has confirmed that some terrorists have entered the residence of business magnate Mr. Samraj this morning and shot him dead in cold blood along with his wife. However, Mr. Samraj's only daughter Nisha has narrowly managed to escape from the scene of crime. Mumbai Police are conducting raids on all idols of the underworld to trace the killers and are looking for Miss Nisha too, so that she can identify the killers and also give any important clues to the motive of the murder. Nisha. निशा, निशा, निशा प्लीज, मेरी बात सुनो निशा, प्लीज, प्लीज निशा, जिस हालत में मैं फंसा हूँ, तुम मुझसे नहीं जानती, अनजाने में मैं इस गिरोह में शामिल हो गया था निशा, निशा, निशा मैं नहीं जानता था कि हम लोग तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, जाने अनजाने में बहुत कुछ हो गया निशा, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry निशा, निशा अभी भी तुम्हें बचाने की मेरी कोशिश है, मेरा विश्वास करो प्लीज, मेरी बात मानो प्लीज, तुम्हारे माँ बाप के घर में वेरी गुड धर्मा, यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब, लड़की को पकड़कर यहाँ ले आया, थैंक यू वेरी मच, कम ऑन बेबी। नंबर वन सुपरटी ऐश करो, इस उम्र में तुम्हारे को काहे को ये वीकनेस? अरे इसी उम्र में तो वीकनेस होती है। ये फोटो देख के मूड खराब कर रहे हो, अगर मुझसे कहा होता तो मैं कोई नंबर वन आइटम का इंतजाम कर देता। अबे बोलना बोलना बोलना, मेरी पहचान का एक घर है, जाके दरवाजा खटखटाइए, दरवाजा खोलेंगे एक 35 साल वाली। अरे झट, अरे पूरी बात तो सुनो, एक मैडम आएगी, उनसे कहो कि संगीत सीखना है तुम्हें, वो अंदर ले जाएगी। अबे जा 35 साल की औरत से क्या संगीत सीखना है? अरे पूरी बात तो करने दो, अंदर जाते ही 18 साल की लाल 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 टमाटर जैसी लड़की। अबे चलना चलना, बेफिक्र होके आ जाओ भैया, यही वो घर है। अरे सुन, संगीत सीखने कहने से वो समझ जाएगी क्या? समझ जाएगी। वो कैसे? ऐसा उनका कोड वर्ड है, दरवाजा खटखटाओ। कोड वर्ड वगैरह मिलिट्री रेंज में है भाई। अबे मालिक के बच्चे, ये सचमुच संगीत सिखाने वाले शरीफों का घर है, तू उनसे बदतमीजी करेगा वो तेरा कीमा बना के कुत्तों को खिलाएंगे और उसके बाद तेरी दुकान का मालिक मैं। आप कौन है? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आपको क्या चाहिए? ये जो संगीत सिखाने वाला, उसके लिए आए, आइए आइए अंदर आइए आइए बैठिए जी। आपको किसने बताया कि यह संगीत सिखाते हैं? वो मेरी दुकान में काम करने वाला लड़का ने बताया। अच्छा अच्छा, इस उम्र में भी आपको संगीत सीखने का शौक चढ़ा है? उम्र में क्या रखा है, बचपन से मुझे संगीत में लगाव रहा है। कब से सीखेंगे? कब से क्या, आज ही पंडित जी ने कहा है आज के दिन में संगीत सीखने के लिए अच्छा मुहूर्त है, अभी क्यों ना शुरू करें। ठीक है, फीस देनी होगी। कितना दूं? 150 रुपए देने होंगे। सिर्फ 150? आजकल रेट गिर गए क्या? पैसे की बात छोड़िए सर, आप खुश हो जाए यही बड़ी बात। वाह वाह, क्या पॉलिसी बनाई है। जरा रुकिए, बेटी को लेकर आती हूँ। लेकर आएंगी? मुझे संगीत आप सिखाएंगी या बेटी? मेरी बेटी। तो फिर आप क्यों आएंगी? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, अभी अपनी बेटी को भेजती हूँ।
आहा, उसने सही कहा, 35 साल वाली ने दरवाजा खोला, 18 साल वाली आ रही है। वाह वाह, जो मेरे चेले। ओहो, नमस्ते जी। आ गई, तुम पहले से ही तैयार बैठी थी। आई आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हम दोनों के संगीत के बीच ये डब्बा किस लिए? हटा देता हूँ, कबाब में हड्डी। शुरू करो। सा सा रे रे गा मा मा। मामा जी। मामा, संगीत में तो एक ही माँ है। हाँ रे। अरे बोलती है? संगीत में एक ही माँ है, लेकिन मेरे घर में दो दो मामा हैं। मतलब तुम लोग सिर्फ संगीत सिखाते हो? मामा जी जल्दी आइए। कुत्ती, कमीनी, औरतों को क्या इतना घटिया समझ के रखा है? जा भाग यहाँ से। इस उम्र में संगीत सीखने का शौक हो और दोनों मामाओं ने मिलके मेरी बैंड बजा दी, बाप रे। भाई, साम्राज्य की बेटी को इसी ने पकड़वाया, बहुत ही जाबाज लड़का है भाई। शाबाश। मौज करो। उस लड़की को मार के समुद्र में फेंक दो। ओके भाई। कुछ नहीं यार, उस लड़की को पकड़ने के लिए भाई ने कुछ पैसे दिए थे, सोचो उन पैसों से इसके साथ कुछ मस्ती करें, और क्या। एक लड़की तुझे मार के यहाँ से बच के भाग गई, तू खुद को भाई ऐसे बच्चों को अपने साथ रखने में बेइज्जती है। नहीं, नहीं, नहीं। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, चलो। निशा के लिए कितनी तकलीफ उठाई तूने, वो कहाँ आया, क्या वो कुछ पता लगाया? उस वक्त उसे बचाने के अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं थी, कुछ भी पूछने का ख्याल ही नहीं आया मुझे। निशा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे इस काम में लगाया। पहले यह नहीं जानता था कि यह क्या काम है, जानने के बाद इसे कितना दुख हुआ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। सही कह रहा हूं, अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी बचाने के लिए ही ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए ये गंदा काम कर रहा है। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। सब मुझे छोड़ के चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? अब तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती निशा। ए, हेल्पर बॉय, बोलिए भैया। तुम सीधा बैंक जाके पैसा जमा करो। क्या भाई? You can go. He's a stupid fellow in Mumbai city. क्या अंग्रेजी बोलता है रे? अच्छा ये बता, एक आदमी दूसरे आदमी को धक्का मार के सारे सारे क्यों बोलता है? यही तो अंग्रेजों का स्टाइल है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना। अरे बताना रे भैया, साड़ी का मतलब है जो औरतें पहनती है ना, साड़ी वही है भैया।
करेक्ट। अंग्रेजी तो फिरंगियों की भाषा है, अंग्रेज धक्का मारे तो गौन की याद आनी चाहिए, वो साड़ी क्यों बोलते हैं? ये क्या सवाल है? वो लोग यहाँ 200 साल राज किए ना। ओहो, वो लोग अभी तक उसी हैंगओवर में हैं। ठीक है, सब छोड़ो, तू गाड़ी लेके सीधा माटुंगा स्टेशन आ जा, सेठ से मिलके मैं वहीं आ जाता हूँ। साड़ी गाउन साड़ी तू जा भैया, तेरी दुकान की तो मैं ऐसी की तैसी कर डालूंगा। क्यों भाई विनय सिंह, हमारी दुकान की तरफ आते ही नहीं हो? सारी दो बहन, गलती हो गई। दरअसल गलती मेरी थी, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं सारी तो नहीं दे सकता, चाहो तो पैसा मैं दे दूं। पता नहीं कैसे निकालूं। ए बनवारी, नाले के पास बैठकर क्या खोज कर रहे हो? बदबू का लुक तो टारो का। बदबू से कलेजा मुंह को आ गया। ऊपर की जेब में बटुआ रखा था, बटुए के अंदर रुपए, बटुए और रुपए दोनों इसके अंदर गिर गए। अरे मूर्ख, बटुआ संभाल कर रखना चाहिए ना। बटुए में कितने रुपए थे? 450 रुपए थे। अब क्या करने वाले हो, निकालने वाले हो? वही सोच रहा हूँ, इसके अंदर हाथ कैसे। अबे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया भर की सारी बीमारियों का जड़ ये नाला है, कीड़े यही पैदा होते हैं और फैलते हैं। अगर तुम भूले भटके इसके अंदर हाथ डालोगे, साल भर अस्पताल में रहोगे, 40,000 खर्च हो सकता है, हाथ को भी काट के निकालना पड़ेगा। अब क्या करने वाले हो? नहीं भैया, 450 रुपए तो मेरे लिए फूटी कौड़ी के बराबर। ऐसा क्या, कम से कम मेरा हाथ तो बच जाएगा। ये लोग फकीर क्यों रहते हैं? जहाँ रोजी रोटी के लिए आया है, वहाँ 450 रुपए फूटी कौड़ी बन गया। अबे ये हाथ डाला तो कभी खाना नहीं खा पाऊंगा, धोने वाला हाथ ही ठीक रहेगा। लगता है पूरे मोहल्ले धुल के डाल दिए। ए भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? जो भी कहो, तुम मेरे परमानेंट कस्टमर हो, सोचा तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मिल नहीं रहा है कम वक्त। कैसे मिलेगा? मैंने कहा था ना ऊपर की जेब में रखा था। हाँ तो नहीं, नीचे की जेब में रखा था। तो बटवा इसने गिरा ही नहीं, दिखाओ तो सही। ये देखिए, अब निकाल ले। आइसक्रीम पसंद है ना? तो खाओ। चेहरा ही देखे बैठी हुई हो। ए, कौन सा फ्लेवर लाया तू? बहुत खराब है। खा के बताता हूँ। ए टू जेड में तुम्हें कौन कौन से अल्फाबेट्स पसंद है? एन पसंद है, आई पसंद है, देन एस पसंद है, फिर एच पसंद है, और ए भी पसंद है। अभी दिखाता तुम्हें। मेरे लिए कोई नहीं है। जाइए अपना जोड़ो। अरे आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। ये इधर बड़ा लगता कोई आ रहा है। ए निशा, वहां जाके छुप जाओ। क्या हुआ साहब, सुन लिया? भाई बुलाए हैं, अड्डे पे आ जा। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। लेडीज चप्पल, अरे 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 चूड़ीदार, तो फिर लड़की अंदर होगी, देख सकता हूँ? नहीं वो मैं। क्यों, कोठे से किसी को उठा कर ले आया है? हाँ, ऐश कर, खूब ऐश कर, लेकिन काम खत्म करके जल्दी आ जाए। वाओ, समझ गया ना तू? हाँ, क्या है बेटी? भैया का खत आया है। पढ़ो। माँ और बाबूजी को सदर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे।
नया घर बन गया है ये बात जानकर मुझे खुशी हुई। अब जल्द से जल्द छोटी के लिए डॉक्टर इंजीनियर वर्क ढूंढिए। शर्माओ मत, पढ़ो पढ़ो। ढूंढिए, खर्चे की फिक्र मत करिएगा। मैंने बाबूजी के नाम 3.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा है, उसे बैंक में जमा कर दीजिए। आप तीनों की खुशी ही मेरी जिंदगी का मकसद है, बाकी सब ठीक है आपका अपना धर्म। अपनी बेटी के लिए हमने इंस्पेक्टर दामा देखा है ये खबर, फौरन धर्मा को दे दीजिए। अच्छा। और फिर शादी के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, ये भी उसको लिख दीजिए। ठीक है ठीक है। नमस्ते शंकर लाल। अरे रे रे, नमस्ते करीम भाई, आइए आइए, सब कुशल मंगल है ना? हाँ कुशल है, शादी पर नहीं आ सका इसलिए तोहफा लेकर आया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बैठिए। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अच्छा। बहू और बेटा दोनों हनीमून के लिए रवाना हो चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप शादी में तो नहीं आए, कम से कम शादी का कैसे तो देख लीजिए। ठीक है दिखाइए। जी भाभी जी, जरा रिवाइंड करना। क्या हुआ तुम्हें, परेशान लग रही हो? धर्मा, मुझे इस घर में बहुत बहुत डर लग रहा है। मेरा भी। ये मार पीट की नौकरी एक नासूर बनकर मेरे दिलो दिमाग को खाए जा रही है। बेवजह कोई किसी डांटे यही मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, मारना पीटना खून खराबा, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। निशा, एक तवायफ ही अपने परिवार के लिए खुद को मिटा के दूसरों को खुशी देती है, लेकिन मैं ये सब जानते हुए भी क्यों ये काम कर रहे हो? तुमने डिप्लोमा किया है, कोशिश करो तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। कोशिश करने से नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अब मेरे रास्ते में वन वे ट्रैफिक ही है। यहाँ सिर्फ एंट्री मुमकिन है, एग्जिट नहीं। मैं वो परवाना हूं जो शमा के अंदर गिर भी नहीं सकता और छोड़कर भाग भी नहीं सकता। रोज सोचता हूं कि लोगों से पीछा छुड़ा के मैं भाग जाऊंगा, पकड़ा गया तो मार देंगे ना, अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे। मेरी मदद करने वाला मेरा दोस्त भी बेमौत मारा जाएगा, ये सब सोचकर ही इस जुर्म की आग की लिपटों में मैं अपने समीर को जला रहा हूं। चलो। क्यों यार, क्या बात है? लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? एक्टिंग करता है साले, साम्राज्य की बेटी कहाँ है बता। मुझे क्या मालूम? इसे नहीं मालूम, नहीं मालूम। कहाँ है निशा? अरे कहाँ ना, कहाँ छुपा के रखा बोल। अरे अंदर जाके ढूंढो। अरे कहाँ ना बोल। अरे कहाँ नहीं जानता ना? जानता। बोल। कहाँ ना नहीं जानता मैं। बोलता क्यों नहीं? नहीं जानता, नहीं जानता। अरे कहाँ नहीं जानता। चल चल बैठ गाड़ी में, बैठ।
रुक जाओ। तू उस लड़की को कैसे जानता है बोल? मैं इसके रूम में शामिल होने से पहले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ओ, तो तू ही उसे यहां से बचा ले गया? हाँ मैं नहीं। अब वो लड़की कहां है? नहीं जानता। नहीं जानता? बताओ वो लड़की कहां है। हाँ जानता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। मेरी निशा को, मेरे निशा को कुछ हो गया ना तुम सबको चिंता जला दूंगा मैं। सुनिए कौन है आप? ये आइए आइए ना, आगे भी लिखो ना। ठीक है। ये लड़की कौन है? पता नहीं अम्मी जान, मंदिर के बाहर अकेली बैठी रो रही थी। दो अंडे दीजिए। क्या चाहिए? अंडा चाहिए? ये लो, एक बैग में रखो और एक हाथ में। वो क्यों? एक दूसरे से टकरा के टूट ना जाए इसलिए। सुनो हाँ? तुम मेरी पड़ोसन हो, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक फ्लावर दे दूँ। कोई सादा फ्लावर दिया तो मुरझा जाएगा, इसलिए खाली फ्लावर दे रहा हूँ। शुक्रिया। तो दोपहर को खाने पे आ जाऊँ? पिताजी पहले ही दो खून कर चुके हैं, मिलना है तो आ जाएंगे। भाई धर्मा को हम लोगों ने बहुत मारा पीटा टॉर्चर किया लेकिन जुबान नहीं खोल रहा है, कमबख्त। उसे मत मारो, उसके दोस्त चंद्रू को मारो, हकीकत खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ए निशा कहाँ है बोल? मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। अबे बोलता क्यों नहीं? अबे बोल, अपनी खैरियत चाहता है तो निशा कहाँ है बोल? अबे बोल रे बोल। दो मिनट का टाइम देता हूँ, निशा कहाँ बोल, नहीं तो कंटेनर तुझ पे गिरा दूंगा। मैं नहीं जानता। ए इधर आओ। Thank you.
बच्चों, अब्बा आ गए। ये आपके लिए और ये आपके लिए। हमारे घर में एक नई आंटी आई है अब्बू। अच्छा, कौन है? नहीं मालूम। चलो देखते हैं। अम्मी जान, खुश रहो बेटा। घबराओ नहीं बेटी, ये मेरा बेटा है अब्दुल। देखिए, मैं क्या काम कर रहा हूँ मेरे घर में किसी को नहीं पता। सब समझते कि मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब मेरे घर वाले बहुत खुशी से जी रहे हैं। आप सच बोल के हमसे हमारी खुशियां मत छीनिए। आप मेरे घर में है ये बात मैं किसी को नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको धर्मा से मिलाऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। धर्मा, ये कपड़े क्यों फटे हैं? आखिर हुआ क्या है? हे भगवान, तुम कैसी मुसीबत में फंस गए? अब क्या करोगे? अबे नालायक बेवकूफ, 10 किलो आटे को खराब कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? अरे ग्राहक आए तो क्या बना के दूं? गधा कहेगा, आटा उठा के रखने को कहा था तो सट्टे गिरा दिया। अबे चुप रह। अबे ओए, 10 किलो आटे की क्या कीमत है जानता है तू? अरे चुप ही रहो ना, एक तरह से मेरा पेट जल रहा है। अबे जा जा, जाके मुंह धो ले। ए धर्मा किधर है? अरे क्या बताऊं साहब, 2 महीने मेरी दुकान में जम के खा लिया, उधार चढ़ गया तो 4 दिन से गायब है। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। आई वांट हिम, यू ढूंढो हिम। क्या बोला? मेरी अंग्रेजी तुम नहीं समझते? कहीं मिला तो मेरे पास ले आओ। दुकान बंद कर रहा हूँ, चाय के लिए भी नहीं पूछूंगा। अगर धर्मा धरावी में आया तो मुझे बताना, वरना वरना तू गया। जा, चलो। धर्मा, कुत्ते लोग चले गए, तुम बाहर आ जाओ। भैया, मेरी वजह से आपको तकलीफ? जरूरत पड़े तो बोलना। मेरे गांव में मेरे रिश्तेदार के घर में जाके तुम दोनों आराम से रह सकते हो। जा, जाके अपना मुंह धो ले। हाँ।
निशा 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 वो क्यों रही हो ए निशा निशा हाँ अब मैं आ गया हूं ना हाँ सब ठीक हो जाएगा हाँ I'm here ए नहीं हंसो 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 हे निशा बस 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 निशा मैं अपने वादे के मुताबिक धर्मा को तुम्हारे पास ले आया मैंने आपको गलत समझा सॉरी कोई बात नहीं धर्मा तुम्हारा मुंबई में रहना ठीक नहीं होगा फौरन निशा को लेकर अपने गांव चले जाओ नहीं भाई एक बार चंद्रू आ जाए उसके बाद हम तीनों एक साथ चले जाएंगे मतलब तुम्हें हकीकत नहीं पता चंद्रू जब भाग रहा था तब खून की चश्मदीद गवाह है वो लड़की और हमारे तमाम राज जानता है वो धर्मा दोनों ही बचकर भाग गए वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं धर्मा के लिए परेशान मत होइए वो बहुत ही अच्छा लड़का है बहुत अच्छा है इसी बात का तो डर है वो अगर सरेंडर होकर अप्रूवर बन गया तो हम सब जेल में चक्की पीसते नजर आएंगे इसलिए मैं बोलता हूँ
वो दोनों दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उन्हें ढूंढकर खत्म कर दो। ये पता यही है ना? जी हाँ। अंदर जा सकते हैं? अंदर जाइए, माजी घर पर ही है। आप लोग कौन हैं? आप ही मिसेज महालक्ष्मी हैं? जी हाँ। नमस्ते। मैं मुंबई से आई हूँ दादी माँ। वो अंदर आओ, अंदर आओ। आओ आओ बेटा, आओ। जब तक चाहे यहाँ रह लो। दादी माँ, हम लोग कुछ ही दिन यहाँ रहेंगे। मुझे नौकरी मिलते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े घर में मैं अकेली ही तो रहती हूँ, यही रह लो। थैंक यू। सब जगह तुम्हारी शादी का ही चर्चा है। ए, तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। जानती हूँ। कैसा लगा? ये ओल्ड फैशन है, आप ही पहनिए। अरे तेरे लिए तो लिए हैं। ये कैसे पिताजी? बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है। तुम वहाँ ढूंढो, तुम उस तरफ जाओ, तुम इधर देखो। क्या बात है, किसे ढूंढ रहे सर? ए, तो ही विक्रम सिंह है ना? हाँ। अपने बेटे धर्म सिंह को कहाँ छुपाया है? अरे वो यहाँ कहाँ है, मुंबई में नौकरी कर रहा है। वो तो मुंबई में बहुत बड़ी नौकरी में है। अच्छा, बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है। उल्लू बनाने के लिए और कोई नहीं मिला? तेरा बेटा वहाँ अंडरवर्ल्ड वालों से मिल के लूट मार खून खराबा करने वाला गुंडा बन गया है। देखिए मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। मतलब मुझे जो खबर मिली वो गलत है? ए, सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ वो काम करता था वहाँ अपने ही बॉस के बेटे को मार के उसके लाखों रुपए लेकर फरार हो गया वो। बोल, अपने बेटे को कहाँ छुपाया? वो तो यहाँ आई है। तुम कहीं खींच के। इन्हें कुछ मत कीजिए, सच कह रही हूँ, मेरा बेटा यहाँ नहीं आया है। सर, पूरा घर छानवारा पर कहीं नहीं मिला। हाँ साहब, कहीं नहीं मिला साहब। चल चल मेरे साथ। मेरी बात सुनिए सर। तेरा बेटा आए तो शराफत से मेरे हवाले कर देना, वरना तुम सबको शादी के मंडप से उठा के हवालात में बंद कर दूंगा, समझ गया? ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने भी यही सोचा, अचानक इतने रुपए कहाँ से आ गए? बेटे को मुंबई भेज के खून कराना, चोरी कराना, स्मगलिंग कराना, ऐसे दो नंबर की कमाई से ये ठाट बाट। ऐसी औलाद पैदा करने से अच्छा होता चुल्लू पर पानी में डूब मरते। छोटी की शादी का इंतजाम करने के लिए मैंने घर चिट्ठी भेजी थी, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैं होके आता हूं। मैं भी चलती हूँ। निशा, ये कोई शहर नहीं है, गांव है। अगर मैं वहां किसी जवान लड़की के साथ चला गया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, शायद छोटी की शादी में भी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए कह रहा हूं, पहले छोटी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मौका देख के अपनी बात उनके सामने रखूंगा और उनकी मंजूरी लेकर तुम्हें ले जाऊंगा। ओके? जाओ। जारी। बाय। टेक केयर। यू टू। बाय।
मुंबई में तुम खूनी लुटेरे बन गए हो, ये कहकर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई। गांव वालों के सामने इनकी बहुत बेइज्जती हो गई, इस वजह से इनका दिल टूट गया और ऐसा कदम इन्होंने उठाया। कैसे हैं? और अपनी बात माँ बाप को बता दी ना? मुझे कब लेके जा रहे हो? क्या धर्मा, मैं पूछ रही हूँ और तुम एकदम चुप हो। धर्मा क्या हुआ? धर्मा जिनके लिए आज तक मर मर के जीता रहा, वो सब मुझे छोड़ के चले गए। मेरी मां, बाबूजी, छोटी बहन, अब मैं अनाथ हो गया। ऐसे नहीं बोलते, मैं हूं ना। निशा, मेरा मन बहुत बेचैन है, सोचा थोड़ी देर मंदिर आके कुछ सुकून पा सकूं। बजा दीजिए। Thank you.
जिंदगी की शुरुआत करने निकला था मैं। अगर ये तुम लोगों को मंजूर नहीं तो मारो मुझे। ए, शूट मी, कम ऑन मारो। ए, तुम लोगों के साथ जुड़ने की वजह से मेरी माँ, बाबूजी, बहन सबको खो देना पड़ा मुझे। हम जब गरीब थे इज्जत की रोटी खाते थे, उस इज्जत को मैंने खो दिया। उसके बाद एक अच्छे दोस्त को खो दिया। अब हम दोनों ही बच्चे हैं, हमें क्यों छोड़ते हो? मार डालो हमें, मारकर बुझाओ अपनी खून की प्यास। मारो। इतनी देर तक तुम लोगों से लड़ता रहा, यही मेरी नारानी थी। ए, कम से कम कुछ दिनों तक हम लोग एक साथ खा पी कर भाई भाई बनकर रहते थे। ये हम सभी ने भुला दिया। तभी तो तुम मुझे मारने मशीन गन लेके यहाँ आ गए और मैंने भी तुम पे अपना हाथ उठाया। ए, आज जो मेरे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी होने वाला है। हम सबका अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे इर्द गिर्द एक समाज है। लूट मार और हिंसा ही जिंदगी नहीं है। ये सब करने से हमारे परिवार वालों पर क्या गुजरता, कभी सोचा है तुमने? बचपन में हम लोगों ने कितने सपने देखे थे, हमारे माँ बाप ने हमें कितनी उम्मीदों के साथ पढ़ा लिखाया। कोई भी माँ सपने में भी अपने बेटे को एक खूनी के रूप में देखना पसंद करेगी? या कोई भी बाप चाहेगा कि उसका बेटा एक गुंडा बवाली बने? मेरा बेटा एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक साइंटिस्ट बनेगा, यही सपने देखते ना हर माँ बाप, और उन सपनों को हमने चूर चूर कर दिया। ये सब भूल कर किसी के फेंके हुए टुकड़ों के लिए हम अब भी इंसानियत का खून कर रहे हैं। हमारी ताकत है आत्मविश्वास और कमजोरी गरीबी, और इस कमजोरी का फायदा उठा के हमें गुंडे मवाली बना के समाज का दुश्मन बनाकर अपनी तिजोरियां भरते हैं गरीब जैसे कुत्ते। हम ये सब नहीं देखते, और अगर देखते भी है तो समझना नहीं चाहते। अच्छा, ए, मेरी बात सुनो, मैं ये सब डर के मारे अपनी काय को छुपाने के लिए नहीं बोल रहा। अपने गुनाहों के बोझ तले मेरा जमीर दब चुका है, इसलिए मुझसे सच निकल रहा है। ए, नहीं, नहीं, ये सब छोड़ दे, मेरी तरह अपने माँ बाप को मत खो देना। माँ बाप का बोल प्यार मत गवाना, भाई बहन के बीच जो प्यार होता है उसे मत खो देना। नहीं यार छोड़। बहुत से लोग हैं जिन्होंने तकलीफें उठाकर जान गवाकर हमें आजादी दिलाई, हम ऐसे त्यागी तो नहीं बनेंगे? एटलीस्ट अपने परिवार की देखरेख करने वाले अच्छे बच्चे बन के तो जिए। बस करो यार, ये काटना मारना खून खराबा बम गोली बहुत हो गया। भारत का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। लोग कह रहे हैं हम नई पीढ़ी का कोई भविष्य है? थू! इस भारत को हिंसा और आतंक के आग में जलने से बचाकर प्यार और अमर के फूलों से पूजेंगे। हमें हमें जन्म देने वाली इस मिट्टी के लिए जरूरत पड़े तो मर मिटेंगे। आने वाले वक्त में हम इंसानियत को अहमियत देंगे और इंसान बनके जिएंगे, इंसान बनके। तेरे बाप ने मेरे इकलौते बेटे को मार डाला, कसम खाई थी तेरे खानदान को मिटाऊंगा, पर तू बच गई। मेरे ही टुकड़ों पर पलकर एक लौंडिया की खातिर मुझे धोखा देकर चला गया। तूने क्या सोचा तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? मैं क्या बेवकूफ हूं? बोल, बेवकूफ हूं? हैं? बेवकूफ हूं? हैं? बोल, बोल। Oh, 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 oh
मुझ जैसे कितने मासूमों की जिंदगी तबाह कर दी तुमने। क्यों बे, तेरी नजरों में आजकल के नौजवान शतरंज के मौरे हैं? तुझे तो मैं कसम खाई थी कि कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, तूने मुझे कसम तोड़ने पे मजबूर कर दिया कुत्ते। किसी भी मंजिल के बिना, मकसद के बिना कटी पतंग की तरह हम लोग जीते रहे। अब तुमने हमें दिखा दिया कि जिंदगी क्या होती है। अब हम अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे बन के, देश के अच्छे नागरिक बन के जिएंगे, जहां पे ना कोई हथियार होगा ना हिंसा। इस नेक काम के बाद हम इस हथियार को फेंक रहे हैं। अब हम इसे कभी नहीं छीनेंगे।